चलिए, वेरी गुड आशा मैम. नेक्स्ट चलेंगे आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ कॉल्पिट ऑसिलेटर. अगर एग्जाम में कॉल्पिट ऑसिलेटर आता है तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन डिराइव करना कंपलसरी है. अब देखिए, ये जो इक्वेशन है आपकी, दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर बोथ हार्टले एंड कॉल्पिट ऑसिलेटर. ये इक्वेशन आपको मेमोराइज करनी है. एच आई ई इंटू जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस जेड वन जेड टू प्लस वन प्लस एच एफ ई प्लस जेड टू जेड थ्री. ये एच पैरामीटर से डिराइव हुई है इक्वेशंस. अगर आप कॉल्पिट ऑसिलेटर के डायग्राम को देखेंगे ध्यान से, तो जो जेड वन की वैल्यू है, जेड वन इज वन अपॉन जे ओमेगा सी वन. इसको हमने रेशनलाइज कर दिया तो जे बाय जे, तो जे स्क्वायर हो गया माइनस वन, तो माइनस जे अपॉन ओमेगा सी वन. द वैल्यू ऑफ जेड टू इज माइनस जे अपॉन ओमेगा सी टू. और जेड थ्री की वैल्यू जो आपने लिखी वो है जे इंटू ओमेगा एल. ये वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज को जब ऊपर वाली इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आप देखिए एच आई ई इंटू जेड वन की जगह आ गया माइनस जे अपॉन ओमेगा सी वन, जेड टू की जगह पर आ जाएगा माइनस जे अपॉन ओमेगा सी टू, प्लस जेड थ्री की जगह पर आ जाएगा जे ओमेगा एल. जेड वन इंटू जेड टू, जब आप जेड वन इंटू जेड टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, जे स्क्वायर की जगह माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी वन सी टू, ओमेगा स्क्वायर इंटू सी वन सी टू इंटू वन प्लस एच एफ ई प्लस जेड टू इंटू जेड थ्री. ये रही आपकी जेड टू की वैल्यू और ये जेड थ्री की वैल्यू. तो ओमेगा से ओमेगा जे स्क्वायर हो गया माइनस वन, तो आपने रिपीट लिख दिया यहाँ पे वैल्यू ऑफ जेड टू इंटू वैल्यू ऑफ जेड थ्री. अब आपको सिर्फ करना ये है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट, आपको जो भी वैल्यू मिल रही है उस इमेजिनरी पार्ट को आपको जीरो से इक्वेट करना है. जैसे ही आप इमेजिनरी पार्ट को जीरो से इक्वेट कर देंगे, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा. अब ध्यान से देखिए, ये एक रियल वैल्यू है, इस वैल्यू का कोई काम नहीं. ये एक रियल वैल्यू है क्योंकि जे इंटू जे जे स्क्वायर हो जाएगा. बस ये जो वैल्यू बाकी है, दिस इज योर इमेजिनरी वैल्यू. इस वैल्यू में से आपने माइनस जे बाहर कॉमन निकाला, तो माइनस जे इंटू एच आई ई, अंदर बचा प्लस वन अपॉन ओमेगा सी वन प्लस वन अपॉन ओमेगा सी टू. और यहां पर जे था तो माइनस जे बाहर आएगा, तो आएगा माइनस ओमेगा इनटू एल. इस पूरी वैल्यू को आप जीरो से इक्वेट कर दें तो 1 अपॉन ओमेगा सी2 प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी1 इक्वल्स टू ओमेगा एल. जब आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी, ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ सी1 प्लस सी2 डिवाइड बाय एल इनटू सी1 से. अगर आप चाहें तो ओमेगा को यहां पर 2 पाई एफ लिखें तो यहां पर एफ की वैल्यू हो जाएगी. इफ ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, तो यहां से आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एफ की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट C1 plus C2 upon L into C1 C2. This is the frequency of oscillation of Kolpit oscillator. साथ साथ आप गेन भी निकाल सकते हैं. अगर आपको गेन निकालना है कि किस गेन पर ये ऑसिलेट कर रहा है, तो आप कुछ ना करें, सिर्फ रियल पार्ट को जीरो से इक्वेट कर दें. जब आप रियल पार्ट को जीरो से इक्वेट करेंगे तो आपको गेन की वैल्यू